गुड मॉर्निंग टू यू ऑल चिल्ड्रन, हाउ आर यू डूइंग। सी, जब भी आपको कुछ कम्युनिकेट करना है, गुड मॉर्निंग जो भी है वो चैट बॉक्स पे डालते जाइए। क्वेरी भी है व्हेन टीचिंग इज ऑन, चैट बॉक्स पे डालते जाइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन। बंबई में गुड मॉर्निंग प्लीज। बंबई में बारिश और गाड़ी रेल पटरी से उतरी। सो गाड़ी रेल पटरी से उतरी, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच आज गाड़ी भी नहीं चल रही है बराबर से। सो अभी रेल पटरी से गाड़ी उतरी, लेकिन आपकी गाड़ी रेल पटरी पे रहना चाहिए। सो आई होप कि आपका ये लेक्चर्स में कॉपरेशन होगा, देर विल बी कॉपरेशन फ्रॉम योर एंड। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल चिल्ड्रन। आई होप कि आप लेक्चर में पार्टिसिपेट करोगे और कॉपरेट करोगे, इन द सेंस अगर कोई सवाल पूछा तो आप चैट बॉक्स पे जरा डाल दीजिए जब भी कुछ पूछा तो। सो आई होप कॉपरेशन फ्रॉम योर एंड वुड बी देयर, आपका कॉपरेशन होगा लेक्चर्स में। कोई भी डाउट कभी भी आएगा तो उसको चैट बॉक्स पे डालिए, मैं आपको आंसर दूंगा। सपोज वो आंसर के बाद भी आपके दिमाग में कुछ गया नहीं तो इंटरएक्टिविटी, व्हेन आई विल पर्सनली टेक अप द क्वेरीज। लेकिन क्वेरी है तो चैट बॉक्स पे इमीडिएटली डाल दीजिए। जब भी मैं आपको आंसर पूछ रहा हूं तो आप उसको चैट बॉक्स पे डाल दीजिए, तो बहुत ही इंटरएक्टिव होगा। चलो तो हम आज शुरुआत करते हैं बच्चों। थैंक्स थैंक्स फॉर योर व्हाट इज दैट रिस्पॉन्स। अभी आज हम करेंगे, अच्छा बाय द वे, हाँ या ना में जवाब दो चैट बॉक्स पे। आपको आईपीसीसी का क्या पेपर पैटर्न मालूम है? क्या आपको आईपीसीसी का पेपर पैटर्न मालूम है? यस तो यस, नो तो नो, बिंदास बोलने का, डरने का नहीं। नहीं मालूम तो ठीक है, अब सुनिए, दो चार मिनट लूंगा मैं। पेपर पैटर्न इज यू हैव टू नो द पेपर पैटर्न, नहीं तो आप पेपर में जाओगे तो ऐसा होगा कि आप युद्ध के लिए गए हो लेकिन आपके पास हथियार ही नहीं है। सो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। देखो अकाउंटेंसी एंड एडवांस्ड अकाउंटेंसी दोनों में, बोथ अकाउंटेंसी, माइक का वॉल्यूम बढ़ाओ, वन मिनट जरा माइक का वॉल्यूम बढ़ाओ, वन मिनट एंड चिल्ड्रन, लेट मी गेट दिस सॉर्टेड आउट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इज इट ओके नाउ? वन मिनट, ओके नाउ इट्स ओके, नाउ लिसन। अकाउंटेंसी हो या एडवांस्ड अकाउंटेंसी हो, पेपर पैटर्न सिमिलर है। सॉरी, 100 मार्क्स की अकाउंटेंसी पेपर और एडवांस्ड अकाउंटेंसी भी 100 मार्क्स। अब दोनों क्वेश्चन, दोनों पेपर्स में क्या होगा सुनिए, आप मंगता तो आप लिख सकते हो किधर, सो दैट यू नो एवरी टाइम हम बोलेंगे कि इतना मार्क का क्वेश्चन है, इतना मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको परफेक्ट मालूम पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन था या ऑप्शनल क्वेश्चन था। सो नाउ लिसन टू मी, दोनों पेपर का पेपर पैटर्न ऐसा है, इस बात को नोटबुक में किधर नोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी होगा, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी, एंड इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क के, 5 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चन किए जाएंगे, हर क्वेश्चन का 5 मार्क, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच 20 मार्क का क्वेश्चन होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड, ये होगा कंपल्सरी क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7, लिखो क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 7,
दूसरा से सेट लेके सातवां क्वेश्चन, अभी दोनों क्वेश्चन मिला के जोड़ोगे इफ यू काउंट, छह क्वेश्चन होता है. एनी फाइव क्वेश्चंस, एनी फाइव, दैट मीन्स एक आप ऑप्शन में रख सकते हो दोनों पेपर में. पांच क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 16 मार्क का होगा, 16 मार्क्स ईच. एनी फाइव क्वेश्चंस, 16 मार्क्स ईच. सो कैन वी से वो होगा 80 मार्क. बस तो 20 प्लस 80, कैन वी से ये होगा आपका 100 मार्क का पेपर. सो आई होप यू अंडरस्टूड कि ये होगा आपका पेपर पैटर्न. अच्छा अभी हाँ या ना में जवाब दो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम. इसके पहले आपका कोई अकाउंटेंसी का लेक्चर हुआ है? आई प्रिज्यूम दैट दिस इज May 16. यस, थैंक्स थैंक्स प्लीज. सो नो अकाउंटेंसी लेक्चर्स हैव मटेरियलाइज्ड. तो आप देखो आज हम धीरे धीरे जाएंगे, धीरे, स्लोली एंड स्टेडी, वी विल ऑलवेज गो लाइक दैट. लेकिन एक बात याद रखो, ये कोई सीपीटी के अकाउंटेंसी नहीं है. सीपीटी के अकाउंटेंसी देखो, आई एम नॉट सेइंग इट वाज सिंपल, लेकिन उसमें देखो चार ऑप्शन के बीच में आपका दिमाग वो चार ऑप्शन में घूमता था. एंड ऑल द क्वेश्चंस यू डिड वो सारे एमसीक्यू फॉर्म में थे. इधर कोई एमसीक्यू जैसे कुछ है ही नहीं. सो जो भी सॉल्विंग होगा एकदम हार्डकोर सॉल्विंग होगा, मीन्स बड़े बड़े क्वेश्चन, कोई छोटे छोटे क्वेश्चन. नाउ ये जो पेपर पैटर्न है, लास्ट चार पांच साल से यही पैटर्न, पेपर पैटर्न आते जा रहा है. सो दिस इज द बेसिक कंपोजिशन ब्रेकअप. सो सो मच. और एक बात, लास्ट पॉइंट बिफोर वी स्टार्ट नाउ द टॉपिक, पांच क्वेश्चन हमने कहा 16 मार्क का है, बराबर है. लेकिन पांच क्वेश्चन आइडियली पांच क्वेश्चन नहीं होता. पांच क्वेश्चन में ए बी होता है, आठ आठ मार्क, 10 6, ऐसा सब कॉम्बो हो सकते. सो फाइव क्वेश्चंस डू नॉट मीन देयर विल बी ओनली फाइव क्वेश्चंस गिवन, उसमें भी इंटरनल ब्रेकअप हो सकता. सो जब भी हम ऐसा मार्किंग करेंगे टेक्स्ट बुक में कि ये पांच मार्क का सवाल था, दैट मीन्स इट इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, इट वॉज अ कंपल्सरी क्वेश्चन. अब हम कहेंगे कि वो आठ मार्क का क्वेश्चन है, तो कैन वी से क्वेश्चन नंबर 2 और 7 के बीच में 8 मार्क का क्वेश्चन. अगर बोला कि 16 मार्क का क्वेश्चन है, तो कैन वी से 2 और 7 के बीच में. सो चिल्ड्रेन, अभी तक जो भी हमने समझाया आपके दिमाग में गया? नाउ क्या क्या पढ़ने का, दैट एंड ऑल वी विल सी लेटर ऑन. लेट अस नाउ स्टार्ट. सो हेडिंग दीजिए, एक मिनट बच्चों, हेडिंग दीजिए और आज हम करेंगे टॉपिक का नाम लिखिए सिंगल एंट्री. टॉपिक का नाम होगा सिंगल एंट्री और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वेटेज लिखो 8 से 16 मार्क, 8 to 16 marks. लेट मी सी कि आपने कितना कॉन्सेंट्रेट किया पेपर पैटर्न के ऊपर. जैसे मैंने अभी बोर्ड पे लिखा 8 से 16 मार्क, तो टेल मी ये कंपल्सरी क्वेश्चन का सवाल है या ऑप्शनल? 2 to 7 और question 1 ऑप्शनल. सो एवरीबडी हैज अंडरस्टूड. हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ऑप्शन में रखोगे, इट्स एन ऑप्शनल क्वेश्चन. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट. क्या आपने कभी, अभी तक तो आपने अकाउंटेंसी किया, देखो 11वीं किया, 12वीं किया, किसी किसी ने स्कूल लेवल पे भी किया होगा, फिर आपने सीपीटी का अकाउंट किया, क्या आपने कोई भी लेवल पे, हाँ या ना में जवाब दो, टेंशन नहीं लेने का है. तुमने आपने अभी तक कोई भी लेवल पे क्या कभी सिंगल एंट्री किया हुआ है? ठीक है. सो इट इज मिक्स्ड, किसी किसी ने किया है, किसी किसी ने नहीं किया, छोड़ दो. आज हम शुरुआत करते हैं जैसे आपने कुछ किया ही नहीं. और वो भी एक बात होती है कि आपने अगर कुछ किया तो भूल भी गए रहेंगे. सो फॉरगेट अबाउट व्हाट यू हैव डन, लेट अस स्टार्ट नाउ. पहला सवाल होगा, नाउ अंडरस्टैंड दिस,
सिंगल एंट्री का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री, मैं आपको नहीं पूछ रहा हूं, टेंशन मतलब पूछूंगा तो बोलेगा चैट बॉक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री का मीनिंग क्या है। अच्छा, अब वो मीनिंग के लिए अब देखिए, सपोज कोई स्मॉल ट्रेडर है, स्मॉल ट्रेडर। अच्छा, अभी स्मॉल ट्रेडर का मतलब क्या, वो भी एक पॉइंट है। स्मॉल ट्रेडर ये हो है जिसका वॉल्यूम जो है ट्रांजैक्शंस का, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है। सो अगर स्मॉल ट्रेडर का वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है तो स्मॉल ट्रेडर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आप जानते हो मेंटेन नहीं करेगा। सो अगेन आई रिपीट, छोटा ट्रेडर है, उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है, सिंस उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगा। अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगा तो कैन वी से कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। आई विल से देर इज नो अकाउंटिंग सिस्टम, कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। टेल मी बच्चों, अपनी अकाउंटिंग सिस्टम कौन सी है? वी आर ऑलवेज मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर विच सिस्टम, बोलिए। बराबर, परफेक्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर ऑलवेज मेंटेन एज पर डबल एंट्री, लेकिन डबल एंट्री परफेक्टली करेक्ट, लेकिन अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं कर रहा है तो कोई अकाउंटिंग सिस्टम ही नहीं है। जब अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, व्हेन देयर इज नो अकाउंटिंग सिस्टम, हम कहेंगे कि एब्सेंस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम को हम कहेंगे सिंगल एंट्री। सो जब अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है उसको हम कहेंगे सिंगल एंट्री। तो आई होप, सॉरी, आपको ये तो समझ में आया सिंगल एंट्री का ये मतलब नहीं है कि हम सिंगल इफेक्ट देंगे, सिंगल एंट्री का ये भी मतलब नहीं है कि अकाउंट का दो साइड होता है डेबिट और क्रेडिट तो हम एक साइड ही बनाएंगे, नहीं। सिंगल एंट्री का मतलब ये है बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, अकाउंटिंग सिस्टम नहीं। नाउ तो कोई बोलेगा तो हमें क्या करना है, दैट वी आर कमिंग टू, बट पहला आपको यह मतलब समझना है कि सिंगल एंट्री का मतलब क्या है। सिंगल एंट्री मीन्स नो अकाउंटिंग सिस्टम। तो हमें अभी आज क्या करना है, व्हाट वी सपोज टू डू, सिंपल है, हमें नो अकाउंटिंग सिस्टम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन अकाउंटिंग सिस्टम। So, हमें नो अकाउंटिंग सिस्टम को कन्वर्ट करना पड़ेगा अकाउंटिंग सिस्टम में। को बोलेगा लेकिन क्यों कन्वर्ट कर रहे हो आप, व्हाई आर यू कन्वर्टिंग नाउ, देयर इज अ रीजन फॉर इट। कैन वी से अगर वो स्मॉल ट्रेडर होगा तो कैन वी से हमें दो काम करना पड़ेगा, स्मॉल ट्रेडर का हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये साल में उसने कितना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट और ऑफकोर्स अल्टरनेटिवली लॉस इज वेल, कितना प्रॉफिट और लॉस इस साल कमाया, एंड सेकेंडली एंड ऑफ द ईयर पे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आफ्टर ऑल वो बिजनेस का है। या करेक्ट, वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड फाइनेंशियल पोजीशन एट द ईयर एंड। तो बच्चों थोड़ा तो बुद्धि यूज करो, सपोज आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है जो पूरे साल में कमाया, तो बोलिए आप क्या क्या बनाओगे, बस दो ही जन आंसर दे रहे हैं। अच्छा, सब लोग दे रहे, वेरी नाइस। गुवाहाटी सिंह, बैलेंस शीट, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट और लॉस, बराबर, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट नाउ, यस। सो कैन वी से हमें बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग and we have to also prepare a PNL.
सो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल बनेगा, बराबर है। और दिमाग यूज करो, अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करना है, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल पोजीशन, तो टेल मी हम क्या बनाएंगे? ओनली वन स्टूडेंट, ओ नाउ सो मेनी, करेक्ट। कैन वी से हम बनाएंगे बैलेंस शीट। सो अभी तक जो भी समझा है उसका कंक्लूजन सुनो, दो बार ऑलरेडी बोल चुका, तीसरी और आखिरी बार। देयर इज अ स्मॉल ट्रेडर, उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना रहा है, इसका मतलब कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। जब अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है तो हम कहेंगे एन एब्सेंस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम होगा सिंगल एंट्री। तो मैंने आपको क्या कहा कि हमें नो अकाउंटिंग सिस्टम को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू एन अकाउंटिंग सिस्टम। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? देखो भाई, कितना कम है वो ही जानता है, लेकिन कम है हम वो जानते हैं। सो देर इज नो स्टैंडर्ड रूल, इतना कम उतना कम, बस कम है। नाउ लिसन, सो व्हाई आर वी कन्वर्टिंग नो अकाउंटिंग सिस्टम इनटू एन अकाउंटिंग सिस्टम? क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस एंड वी हैव टू चेक द फाइनेंशियल पोजिशन। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल, और फाइनेंशियल पोजिशन के लिए हम बनाएंगे बैलेंस शीट। सो हम आगे बढ़ते हैं एंड हम फर्स्ट मेथड ऑफ सिंगल एंट्री लेंगे। को बोलेगा यार फर्स्ट मेथड है, इसका मतलब और एक मेथड होगा, बराबर है, होगा ही, लेकिन आज दोनों मेथड नहीं होगा, एक ही मेथड होगा और काफी टाइम चलेगा। वी गो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में क्या पूछते हैं, मोर इंपॉर्टेंट पहला। सो हम करेंगे, बाय द वे क्या बोला था, नो अकाउंटिंग सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू एन अकाउंटिंग सिस्टम। अरे बालक, टेक्स्ट बुक मत देखो, टेक्स्ट बुक तो देख देख के बैठना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक बंद रखो, टेक्स्ट बुक तो पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, अभी टेक्स्ट बुक मत देखो, उसमें सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इधर ध्यान दो। सो वी विल डू द फर्स्ट मेथड, वो फर्स्ट मेथड को हम कहेंगे कन्वर्जन मेथड। आपको ऐसा ख्याल आता होगा टीचर भूल गया इसलिए रुक गया, नहीं, मैं ऐसे देख रहा हूं आप लोग को, क्या आपके दिमाग में गया, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट एवर हैज बीन स्टेटेड सो फार? सो आई होप यू अंडरस्टूड कि हम जा रहे हैं अभी कन्वर्जन मेथड की तरफ, कन्वर्जन मेथड ऑफ सिंगल एंट्री। कोई लिखेगा नहीं, लिखने का टाइम मिलेगा मैं डिक्टेट करूंगा, अभी सिर्फ सुनते रहो कान खोल के। कन्वर्जन मेथड, हम कन्वर्ट करें, क्या कन्वर्ट करें हम, वी आर कन्वर्टिंग सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री। हम नॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम के तरफ जा रहे हैं और उसका रीजन आपको समझाया, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन के लिए। तो हम बनाएंगे ट्रेडिंग, वी विल प्रिपेयर पीएनएल और हम बनाएंगे बैलेंस शीट। एंड लेट्स अज्यूम ट्रेडिंग पीएनएल तो पूरे साल के लिए होता है, लेट्स अज्यूम 1/4/14 टू 31 मार्च 15 का ट्रेडिंग पीएनएल है। हा, लिखता हूं, ओके। एंड बैलेंस शीट होगा 31 मार्च 15। अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब उधर दो। जब जब आपने फाइनल अकाउंट्स बनाया, जब जब आपने फाइनल, देखो फाइनल अकाउंट्स तो आपने किया ही होगा, पहले आपने प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट्स किया, फिर आपने पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स किया ही होगा, तो आप जरा रिकलेक्ट कीजिए कंपनी का भी क्या, ओहो बहुत बड़ा काम किया। नाउ लिसन केयरफुली, जब जब आपने फाइनल अकाउंट्स किया हो तो टेल मी फाइनल अकाउंट्स में आपको क्या क्या दिया जाता है, व्हाट इज द डेटा गिवन इन द फाइनल अकाउंट्स, बोलिए।
लायबिलिटी ना है, लायबिलिटी ना है, एसेट ना है, नो 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 नो, जो पहले के आंसर थे वो बराबर था। कैन वी से ट्रायल बैलेंस दिया जाता है, बराबर ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। लेकिन अब बात को समझने की कोशिश करो, ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस कहां से निकलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स से आएगा। लेकिन मैं 15 मिनट से ये समझा रहा हूं आपको कि इधर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, सो ट्रायल बैलेंस भी नहीं होगा। और जब ट्रायल बैलेंस नहीं है और आपको ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना है, तब इमीडिएटली आपकी बत्ती जलेगी। कैसे जलेगी? और जलते रहेगी कि जो भी प्रॉब्लम पूछा है वो सिंगल एंट्री का है। अगेन आई रिपीट, नॉर्मली आपको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिया जाता। ट्रायल बैलेंस कहां से आता है? बुक्स ऑफ अकाउंट से आता। लेकिन आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट ही नहीं है, तो आपको ट्रायल बैलेंस नहीं दिया जाएगा। और फिर भी वो आपको कहेंगे प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस, तब भी आपकी बत्ती जलेगी दैट द प्रॉब्लम इज ऑफ सिंगल एंट्री। नहीं तो ऐसा हो सकता है, पूरा टॉपिक होने के बाद कोई पूछे कि भाई कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे कि क्वेश्चन सिंगल एंट्री के ऊपर है, क्या होगा टीचर का? पोपट होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, ट्रायल बैलेंस नॉट देयर और फाइनल अकाउंट्स आपको बनाने का। क्या ये बच्चे ये पॉइंट समझे? Has everybody understood this point? No trial balance and you have to prepare final accounts. Thanks. तो हम आगे बढ़ते हो, तो अभी question is कैसे आगे बढ़े? हाँ, और एक बात, ये हमने लिखा single entry, उसकी title बराबर है जो आपने दिया अभी थोड़ी देर पहले, but ये जो single entry है it can also be called as, बराबर सुनो, accounting from incomplete records, accounting from incomplete records. क्यों मालूम? जब आप स्टडी मटीरियल और प्रैक्टिस मैनुअल देखेंगे, क्या आपने भाई प्रैक्टिस मैनुअल स्टडी मटेरियल सब लेके आए? क्या आपको प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मटेरियल मिला? मिला, सिर्फ वैशाली नगर और वापी में मिला, बाकी जगह नहीं मिला। ये कौन सी बात है? हाँ, सबको मिला, बराबर। तो जब आप एसएम और पीएम देखोगे तो आपको सिंगल एंट्री नहीं दिखेगा, तो आप क्या कहोगे कि टीचर ने आउट ऑफ सिलेबस कुछ सिखा दिया। लेकिन वो सिंगल एंट्री को उन लोगों ने क्या बोला? अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोला। Now understand this, how to proceed further. ये trading PNL और balance sheet ऐसा बना के ready रखने, और एक बार आपने ready रखा तो अभी क्या करने का? सुनो बराबर से। By the way, trial balance में जो capital दिया जाता था, trial balance में जो capital आपको दिया जाता था, tell me वो capital कौन सा capital था? Trial balance वाला capital, क्या वो opening था या closing था? Only two students are giving answer. अरे बच्चों क्वेश्चन नहीं समझे लगता है, क्योंकि कोई ओपनिंग बोलता है कोई क्लोजिंग बोलता है। मैंने क्या बोला? ट्रायल बैलेंस में जो आपको कैपिटल दिया जाता है, वो कैपिटल को आप सारे एडजस्टमेंट करते थे, प्रॉफिट ड्रॉइंग्स कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो इसका मतलब वो जो कैपिटल आपको ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है, ऑलवेज रिमेंबर, वो ओपनिंग कैपिटल होता है, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बराबर है? वडोदरा, सम ऑफ द ब्रांचेस आर करेक्ट, परफेक्ट। दे विल ऑलवेज गिव यू ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल से हम लोग डेवलप करके क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते, प्रॉफिट एड, ड्रॉइंग्स लेस, कैपिटल इंट्रोड्यूस एड एंड सो ऑन। सो अब सुनिए बराबर से, अब अपने पास ट्रायल बैलेंस ही नहीं है, सो ट्रायल बैलेंस ही नहीं है तो क्या करें? अपने पास ओपनिंग कैपिटल ही नहीं है, बोलेगा रहने दो? अरे नहीं, ओपनिंग कैपिटल अगर नहीं मालूम तो कैन वी से क्लोजिंग कैपिटल भी कैलकुलेट नहीं हो सकता।
सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैन वी से हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, वी वॉन्ट ओपनिंग कैपिटल। सो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए? देखो ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया तो कुछ तो इंफॉर्मेशन देंगे, ये कोई मैजिक शो नहीं है कि आप ऐसा इंफॉर्मेशन निकालते जाओ। दे विल गिव यू इंफॉर्मेशन, वो बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे ओपनिंग कैपिटल। हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल? अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो एटलीस्ट वो आपको एसेट्स और लायबिलिटी का डिटेल देंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एसेट्स और लायबिलिटीज का डिटेल आपको देंगे। बोलिए आपने 11वीं में किया होगा, याद कीजिए, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करोगे तो क्या मिलेगा आपको? इफ यू डू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लाइन पैसिव, परफेक्ट परफेक्ट, दैट्स राइट। सो इन शॉर्ट आप क्या करोगे, फर्स्ट वर्किंग नोट में आप बनाएंगे, कुछ लिखने का नहीं, सुनते रहने का बच्चों, अभी ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट्स लिखते जाने का। बोलेगा ये सब क्या टिक टिक कर रहे हो, एसेट्स, ये लायबिलिटी का टोटल करने का, लिखते जाने का, फिर ऐसा टोटल करने का। सपोज एसेट का टोटल 20 लाख और लायबिलिटी का टोटल 5 लाख, एसेट का टोटल 20 लाख, लायबिलिटी का टोटल 5 लाख, आपको ऐसा बैलेंस आएगा, करेक्ट। और ये जो 15 लाख आपको आएगा, कैन वी से ये होगा ओपनिंग कैपिटल, एंड वी रिक्वायर ओपनिंग कैपिटल बिकॉज ओपनिंग कैपिटल की बिगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं आएगा। फर्स्ट स्टेप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का, जब जब आप प्रॉब्लम ऐसा पढ़ोगे तो देखने का, भाई ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, दिया तो उसको वेलकम, और अगर नहीं दिया तो बनाइए। अगर वो नहीं दिया तो आपको एसेट और लायबिलिटी के डिटेल देंगे, वो बेसिस पे आप ओपनिंग कैपिटल बनाओगे और आपको ओपनिंग कैपिटल मिलेगा। क्या बच्चों आपको समझा? यो हाँ, तो आगे बढ़ते, समझा सबको, थैंक्स। तो ओपनिंग बैलेंस शीट पहला बनेगा, एसेट लिखने का, लायबिलिटी लिखने का, ओपनिंग कैपिटल बनेगा। और जिससे आपका ओपनिंग बैलेंस शीट रेडी हुआ, हमें अभी आगे बढ़ना है। लेकिन एक बात याद रखो, दिस इज अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होगा तो बहुत सारे मिसिंग अमाउंट्स रहेंगे, देयर विल बी सो मेनी मिसिंग अमाउंट्स, और एक एक मिसिंग अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब उदाहरण मैं आपको देता हूं, सुनते रहिए। सपोज हमें क्रेडिट सेल्स का फिगर चाहिए, क्रेडिट सेल्स, जरा बोलेंगे हमने क्रेडिट सेल्स अपने कस्टमर को किया, कस्टमर बोले तो क्या, कस्टमर मींस व्हाट, क्रेडिटर्स या डेटर्स, बराबर। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना क्रेडिट सेल किया, डेटर्स करें, सेम वे वी मे हैव टू कैलकुलेट कितना हमने बिल्स ड्रॉ किया डेटर्स के ऊपर। बोलिए बिल्स जो हमने डेटर्स के ऊपर ड्रॉ किया, क्या वो बिल्स पेबल रहेगा या बिल्स रिसीवेबल रहेगा? बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल, करेक्ट, परफेक्ट। सेम वे हमें यह भी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमने कितना क्रेडिट परचेस किया। बुद्धि यूज करो, बुद्धि 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 यूज करो। अगर हमें क्रेडिट परचेस कैलकुलेट करना है तो टेल मी क्रेडिटर्स, बराबर है, और जैसा बराबर थिंकिंग चल रहा है उधर, जैसे क्रेडिटर्स होगा कैन वी से बिल्स पेबल भी होगा। तो इन शॉर्ट ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद बहुत सारे सपोर्टिंग अकाउंट बनेंगे, सपोर्टिंग अकाउंट,
मैं देखता हूं बच्चों को क्या समझा, बच्चे बराबर जवाब तो दे रहे हैं। टेल मी ये सपोर्टिंग अकाउंट बनेगा क्या कैलकुलेट करने के लिए? सपोर्टिंग अकाउंट्स टू कैलकुलेट मिसिंग अमाउंट्स, परफेक्ट। सो सपोर्टिंग अकाउंट बनेगा। अब कौन से सपोर्टिंग अकाउंट बनेगा, अब सुनो। पहला होगा टोटल डेटर्स अकाउंट। टोटल डेटर्स में सारे डेटर्स के साथ इकट्ठा करके एक डेटर्स अकाउंट बनेगा। उसके बाद बनेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। उसके बाद बनेगा क्रेडिटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स। टोटल नहीं लिखेगा तो बाद में बच्चे चिल्लाएंगे। बाद में बनेगा बिल्स पेबल अकाउंट और बिल्स पेबल के बाद लास्ट का को बोलेगा यार ये तो अकाउंट बढ़ते जा रहा है, कब बंद होएगा? अभी 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 हो रहा है, अभी हो रहा है। एंड विल ऑल्सो प्रिपेयर कैश अकाउंट। ऐसा हो सकता है अपना कैश और चेक के ट्रांजेक्शन अलग अलग है तो हम बनाएंगे कैश बैंक अकाउंट। अगर उन लोगों ने कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन अलग अलग से दिए तो दो कॉलम बनाइए, एक कॉलम कैश के लिए, एक कॉलम बैंक के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड। बाय द वे ये जो मैंने लिखा बोर्ड पे ये मैक्सिमम पॉसिबल अकाउंट है। कभी कभी ऐसा हो सकता है हमने कोई बिल ड्रॉ ही नहीं किया, क्रेडिटर्स ने अपने ऊपर कोई बिल्स ड्रॉ ही नहीं किया तो बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल नहीं होगा। लेकिन डेटर्स ऑलवेज, क्रेडिटर्स ऑलवेज, कैश बैंक ऑलवेज। कैश बैंक में उसको कॉलमनर फॉर्म में बनाओ या कंबाइंड बनाओ वो आपको प्रॉब्लम पक्के मालूम पड़ेगा। अब बात को समझो। तो ये सब तैयार रखे और आपको छलांग लगाना, लेकिन छलांग ऐसा लगावे कि गिरे नहीं। जिसको अभी कुछ भी नहीं समझ बिचारे, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रोसीजर। खूब बोल गए तो बहुत भारी शब्द यूज करे, प्रोसीजर इसका मतलब स्टेप्स। कैसे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जाके सिंगल एंट्री क्वेश्चन को ऐसा उड़ा दिया जाए और 16 मार्क होगा, 16 मार्क आ जाए। हाँ तो सुनिए बराबर से, आपने क्या क्या तैयार रखा? ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तैयार रखा, सब खाली। फिर ओपनिंग बैलेंस शीट अगर नहीं दिया तो बनाया। उसके बाद सारे सपोर्टिंग अकाउंट वन बाय वन उसके नीचे तैयार रखे। उसके बाद अभी आप क्या करोगे सुनो बराबर से। ऐसा ओपनिंग बैलेंस शीट लेने का और ओपनिंग बैलेंस शीट से जो भी है उसका ऐसा इफेक्ट, एक इफेक्ट देते जाने का, वन बाय वन, वन बाय वन, एक एक इफेक्ट देने का। लेकिन इफेक्ट ऐसा देने का कि वो बराबर से लगे। को बोलेगा यार युद्ध लड़ना पड़ेगा क्या? नहीं, सिस्टमैटिकली। हाउ? लिसन, अब बोलते जाइए। ये ओपनिंग कैपिटल है, टेल मी आप उसको किधर ट्रांसफर करोगे? थोड़ा तो बुद्धि यूज करो। ओपनिंग कैपिटल है, किधर ट्रांसफर करोगे? ओनली टू टू ब्रांचेस नो वे टू ट्रांसफर, बाकी सब सस्पेंस में। बराबर, कैपिटल अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करेंगे हम, उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन उसको ऐसा इनर कॉलम में लिखेंगे। को बोलेगा इनर कॉलम? यस, क्योंकि प्रॉफिट बाकी है, ड्रॉइंग्स बाकी है, कैपिटल इंटरेस्ट सब बाकी है। सो ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐसा इनर कॉलम। अच्छा, अब बोलते जाइए। सपोज क्रेडिटर्स है और बिल्स पेएबल है। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, बोलिए कहां ट्रांसफर करोगे क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को? देखो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को जो लायबिलिटी साइड पे लेके गया ना, उस बिचारा लुढ़क जाएगा, लुढ़क जाएगा। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो है,
नाउ नाउ इट्स करेक्ट. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर बेसिकली ओपनिंग बैलेंसेस, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है. उधर नहीं जाएगा वो, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में जाएगा. आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है, सो काफी जनों ने बोला बराबर है, वो सपोर्टिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय बैलेंस ग्रोथ. द बट नो प्रॉब्लम, आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है कि वो अकाउंट ट्रांसफर होगा काफी अच्छा. नाउ लेट मी टेक यू टू द एसेट साइड और बोलते रहे बच्चों, मजा आ रहा. सपोज बैलेंस शीट में मशीनरी है, बैलेंस शीट में फर्नीचर है. बोलो मशीनरी और फर्नीचर आप कहां ट्रांसफर करो? सपोर्टिंग अकाउंट किधर है रे? गुवाहाटी. ओ गुवाहाटी, जरा नींद से जाग. सपोर्टिंग अकाउंट इतने ही है क्या? हमने फिक्स एसेट अकाउंट ओपन, मशीनरी अकाउंट ओपन किया? नो. हाँ बराबर. सो इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करें, लेकिन उसको ऐसा इनर कॉलम में लिखे, कैन वी से उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें. इनर कॉलम, इनर कॉलम. हाँ उसके बाद अब ध्यान से दो, लास्ट टाइम आपने गड़बड़ी की थी लेकिन इस बार नहीं होगा, उम्मीद है आपसे कि नहीं होगा. कैन वी से बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश और बैंक बैलेंस. चलो बच्चे समझ गए. सपोर्टिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे सारे बैलेंस लिखे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे लिखने का. आई होप आपके दिमाग में गया और आपके दिमाग में रहेगा. फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर, ओपनिंग बैलेंस शीट से ट्रांसफर करो और ऐसा एक 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 इफेक्ट देते जाओ. इन शॉर्ट आपने दिया सिंगल इफेक्ट, उसको सिंगल एंट्री के साथ कोई लेन देन नहीं है. ओपनिंग बैलेंस शीट जब भी ट्रांसफर करोगे एक 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 इफेक्ट देते जाने. और उसके बाद सेकेंडली, एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट से सब ट्रांसफर हुआ, आराम करने का टाइम नहीं है. अब बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिए जाएंगे. जो आपने बोला था फाइनल अकाउंट्स में आपको एडजस्टमेंट दिया जाए, एडजस्टमेंट्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन्स. अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और आप चैटबॉक्स पे लिखिए कि आप उसका इफेक्ट क्या दोगे. सपोज देर आर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कलेक्शन हुआ, कैश के थ्रू भी हुआ, चेक के थ्रू भी हुआ. तो इतना ही मुझे कहो कि अगर कैश और चेक में हमें कलेक्शन मिला तो हम कौन से अकाउंट डेबिट करेंगे और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. बिल रिसीवेबल किधर पूछा है लड़का? हाँ या बराबर है, सिंपल है. इफ देयर इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश बैंक डेबिट होगा बिकॉज रोकड़ा आ गया और डेटर्स को क्रेडिट होगा. तो दो इफेक्ट दिया आपने, याद रखो. सपोज आपने डेटर्स के ऊपर बिल्स ड्रॉ किया, बिल्स बिल्स बिल्स, आपने डेटर्स के ऊपर बिल्स ड्रॉ किया, तो बोलो क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा? हाँ बराबर है. बिल्स अगर ना अपने डेटर्स के ऊपर ड्रॉ किया, बिल्स रिसीवेबल विल बी डेबिटेड, डेटर्स विल बी क्रेडिटेड, सही है. तो इन शॉर्ट एक मिनट आ, मैं देखता हूं क्या बच्चों को समझा. अगर एडजस्टमेंट्स है तो क्या आप सिंगल इफेक्ट दोगे या डबल इफेक्ट?